हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो कुछ नए अपडेट्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे क्या इम्पोर्टेंट जो अभी तक जो पॉइंट्स चल रहे थे कुछ में जो है हाई कोर्ट का डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का भी जो है वेट किया जा रहा है। कुछ नए सिस्टम इम्प्लीमेंटेड किए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके अलावा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और भी अपडेट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन सभी अपडेट्स के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जो पहला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है CAPF के लिए। बेसिकली जितने भी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिसमें कि BSF, CRPF, ITBP, इन सब में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका दायर की गई थी कि सभी की एज जो है 60 ईयर्स करनी चाहिए, सिपाही से लेके जो है कमांडेंट तक की। नॉर्मली अभी तक क्या था कि कमांडेंट से ऊपर रैंक की जो है 60 तक थी, उससे पहले 57 ईयर्स तक थी। तो इस चीज़ की याचिका ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, और एक PIL लगाई गई थी कि ये जो चीज़ है, ये जो इस तरह के मैटर हैं, वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आने चाहिए। अल्टीमेटली इसका जो है वहीं पे जो है सॉल्यूशन करना चाहिए, बट रिसेंटली उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। और इससे ये आश्वासन मिल रहा है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जो आने वाले टाइम में जो फैसला देगी, उसमें जो है जो रिटायरमेंट एज होगी वो सबके लिए समान होगी, कॉमन रिटायरमेंट एज होगी। और जो बेसिकली प्रस्ताव रखा गया है वो रखा गया है कि फ्रॉम सिपाही टू ऑफिसर्स द रिटायरमेंट एज शुड बी 60 ईयर्स। तो दोस्तों, जैसे ही इसके ऊपर बेसिकली अभी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, जैसे कोर्ट का जो है मेन जो है निर्णय आता है तो हम उसमें अपडेट करेंगे। अभी जो है लेटेस्ट यही है कि जो PIL लगाई गई थी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। दूसरा अपडेट दोस्तों, MES के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है। इससे पहले भी अपडेट आ चुका है जिसमें कि MES में जो है बायोमेट्रिक जो है अटेंडेंस सिस्टम लगाने की बात की गई थी, और उस टाइम पे जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। एक बार फिर से ऑफिस ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम जो है अटेंडेंस के लिए मस्ट है, और जहाँ जहाँ पे ये जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वहाँ पे जो है बायोमेट्रिक सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो है कुछ एयरलाइन ट्रेवल्स के लिए जो है गाइडलाइंस आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो LTC के अंदर जो है पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो फ्लाइट्स है उसी में जो है आपका जो है क्लेम जो है मान्य होता था, अब जो है लेटेस्ट जो अपडेट हुए हैं एयर फेयर में और एयर ट्रैवल में, उसमें आप जो है प्राइवेट एयरक्राफ्ट का, एयरोप्लेन का यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो भी टिकट होगा, उसका जो क्लेम होगा वो वैलिड होगा, और वो आप उसको जो है दिखा के अपना क्लेम ले सकते हैं। तो बेसिकली जो है एयर ट्रैवल का जो भी LTC के थ्रू जाते हैं या फैमिली के थ्रू जाते हैं, उसमें आप टिकट शो करते हैं, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट जो एरोप्लेन है उसी पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस, अदर प्राइवेट जेट एयरवेज ऑल्सो। इसके अलावा दोस्तों, कुछ रेलवे डिपार्टमेंट से भी कुछ अपडेट हैं, जिसमें कि रेलवे डिपार्टमेंट जो अभी बेसिक जो है चेंजेस किए गए हैं प्रोसेस में, उसके लिए जो है एक ऑफिस ऑर्डर निकाला गया है, वो भी आप देख सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि स्कीम फॉर LDC फॉर फिलिंग अप टू 20% वैकेंसीज ऑफ OSIT एंड 13.3 वैकेंसीज ऑफ सीनियर क्लर्क। तो बेसिकली ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट है, जिसमें कि जो वैकेंट पोस्ट है उनको जो है फिल करने की बात की गई है। दोस्तों, ये थे अभी तक के अपडेट्स। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।